Bhikanji Swami Bhari Maryada Bandhi Bhikanji Bhari Bhikanji Swami Prabale pretapi sasanagi Prabale pretapi Jina me jagarahi thagamaga आज चतुर्दशी भी है, आज जी का दिन भी है, अंतरात्मा का दिन भी है, अंतरात्मा की बात कहने का, तो ये दोनों बातें एक साथ मिल गई, इसलिए मैंने सोचा दोनों फायदा होगा इसमें। स्वामी जी की मर्यादा सामने आ जाएगी, अंतरात्मा बनने का रास्ता ये है, इसलिए बहुत पुरानी ढाल मैंने निकाली है, बहुत पुरानी का मतलब काफी वर्षों की पुरानी है, और पुराने लोगों को बहुत याद थी, लोग चाहते हैं कि सिद्धांत आनी चाहिए मेरे सामने, तो मैं कहता हूँ भिखनी स्वामी आपने बड़ा काम किया और ऐसी मर्यादाओं का निर्माण किया जिससे हमारे संघ में किसी प्रकार का विक्षोभ न हो। उन्हें क्या किया, क्यों किया है, देखी दशा है दयामणि, देखी दया आतो साधु संघरी काप्यो कड़े जो मारा काप्यो कड़े जो किनी मोड़ सही तस्वीर है ऐसा क्यों किया। स्वामी जी अनुभवी थे, उन्होंने धर्म संघों की गच्छों की संप्रदायों की अंतर दशाओं को देखा और देख के उनका कलेजा कांप उठा। बोले हाँ ये स्थिति है, साधु बने, घर छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, फिर विक्षोभ नहीं मिटा, इस तरह से चेलों के लिए, खेतों के लिए, कपड़ों के लिए, पात्रों के लिए, सुख सुविधा के लिए लड़ना देखे ना, ये कोई काम की बात है क्या, कांप गया उनका कलेजा। उन्होंने सोचा तो एक ऐसा संघ बनना चाहिए जिस संघ में ये स्थितियां बने ही नहीं। इस बात को दृष्टि में रख के और अपने मूल स्थाप किए, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही, सकल साधु अरु साधवी सकल बहु एक चेला चेली आपे आपरा चेला चेली कोई मत करो करो पचखा आज की पीढ़ी के युवा युवतियों को विद्यार्थियों को इस बातें समझनी चाहिए और समझ के उनको भी इस रूप पर ध्यान देना चाहिए। अब पहली बात यह कही कि देखो भाई एक ऐसा धर्म संघ हमको बनाना है जिसमें सब साधु साधुना एक गुरु की अखंड आज्ञा का पालन करे, अपना अपना चेला चेली कोई नहीं बनाए, नहीं बनाए इतना ही नहीं त्याग कर दे कि मैं किसी को अपना चेला नहीं बनाऊंगा, न अपना श्राव बनाऊंगा, न अपना साधु बनाऊंगा, ये नियम कर दो। एक बात कर दी, सब काम समाप्त हो गया। आगे चले तो सोचा एक बात फिर होगी, चेला चेल नहीं बनाएगा किंतु गुरु बनने की भावना रही तो उम्मीदवार कोई बन गया तो वहां फिर क्या हुआ है, गुरु भाई चेला कोई सूपे
गुरु निजे जीवन भर मुनि साहुनी जीवन कोई मत लो पोत सकार हो आपने कहा कि पद के लिए कोई उम्मीदवार न बने और किसी प्रकार का झगड़ा झंझट न हो, आप लिख दिया आचार्य वर्तमान आचार्य गुरु भाई या चेले को अपना भार सौंप दे, अपना अधिकार सौंप दे, उस समय सब साधु साधियां उसकी आज्ञा को स्वीकार कर ले, ननु नस न करे। ये दूसरी बात कह दी, बड़ी कठिन बात है। एक ही आज्ञा का पालन हो सकता है, उसका प्रभाव है, उसका वैसा है, पर मेरे जैसा 22 वर्ष का छोटा लड़का उसको लाके सामना खड़ा कर दिया गया और 80-80 वर्ष के साधु साधियां भी अच्छे अच्छे व्याख्यानी विद्वान मेरे मन में आता है, कालू ने काम तो कर दिया, कैसे होगा ये बड़े बड़े बुल्डे बुल्डे विद्वान साधु मेरी बात कैसे मानेंगे, कभी कभी मन में आता है। पर जो ही चादर दी कालू ने और जो ही आपकी सारी सत्ता मुझे सौंप दिया आपने, मैंने देखा एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन किसी साधु के मन में ऐसी बात आई हो कि भाई छोटा सा साधु है इसके क्या कैसे पहले हम लोग, बड़ा एक मन में गौरव हुआ, मन में गर्व हुआ कि कैसी स्थिति है, क्या बात है, और सबने मुझे कालूगणी ही माना, ऐसे ही मान लिया। और मंत्रिमंडल ने कह दिया कि हमारे आचार्य कितने वर्ष के है, 82 वर्ष के। कोई आगे पूछा लो मंत्रिमंडल आचार्य कितने आचार्य कितने वर्ष के है, कितने वर्ष के है, 82 वर्ष की है। अक्का पक्का रह गया, 82 वर्ष की महाराज, मैंने सुना 22 वर्ष के, बोले नहीं 82 वर्ष के हैं। कैसे महाराज, हे बारे भाई इतना ही नहीं जानता है, 22 तो आपका 60 का लुगनी का, बोल 60 22 कितना होता है, मत कैसे, अरे मूर्ख समझता नहीं है, अपने आदर जाते हैं समय सब कुछ दे जाते हैं, अवस्था भी दे गए, बड़ी विलक्षण बात है। और मैं समझता हूँ स्वामी जी आज तक भी ये स्थिति बराबर रही है, जब कभी भी आचार्य किसी को भार सौंप देते हैं, दायित्व सौंप देते हैं, तो फिर साधु साधु हमारे इतनी विनीत, इतनी विवेकी, इतने विनम्र, इतने चिंतनशील है कि अपना दिमाग उसमें लगाते ही नहीं है, चिंतन लगाते ही नहीं है, तो बस जो गुरु क्या हुई ठीक है। ये दूसरी बात है उनकी। तीसरी बोलो, आपने कहा देखो भाई एक बार फिर आचार्य भी किसी को हरेक को मुड़ दे तो आवे जिनने मुंडने आवे कोई मैं पीरे बढ़ा पूरी कर कर पार खा पूरी कर कोई दीक्षा दीजो देख रे तीसरी बात क्या विशेष कही है, आचार्य भी किसी को दीक्षा दे तो आवे जिलने मुंड में आया, हाँ बड़ा चेला आ जाओ मुंड मुंडाई साधु बन जाओ, ऐसा नहीं, परीक्षा करके जांच करके तत्व विचार करके यज्ञायु के पहचान उसको दीक्षा दे, पर मुंड के चेला इकट्ठा करने की चेष्टा नहीं करे, इतनी सी बात कह दी। और इसलिए बड़े सजग रहना पड़ता है आचार्य को। मंत्री मुनि कहते थे एक आदमी मेरे पास में आया, बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, करो, बोले या नहीं एकांत में, एकदम एकांत में, कह मुझे ऊपर ले गया,
ऊपर मतलब सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर, बूढ़े साधु थे क्यों, वो उस समय में उनके सुपुर्द था ये काम कि जांच करना कौन कैसा नहीं है, दीक्षा की काबिल है कि नहीं है, ऊपर ले गया। ऊपर जाके बिल्कुल एक मिला, बोले मंगलेश्वर मेरी दीक्षा लेने का भाव है, बोले यही बात कहनी थी, कही कहनी थी, ऊपर क्यों लाया एकांत में। तो मंत्री मुनि बोले सोने दीक्षा की बात तूने की है, आइंदा कभी बात करना नहीं, इस जन्म में तुझे दीक्षा आती दिखे नहीं, आप चिंता इतने पार्क थे, इतने होशियार थे, ठीक उम्र में तुझे दीक्षा नहीं आई, वो किसी रूप में रहा, घर में रहा, नहीं रहा, दीक्षा उम्र पर नहीं आई। तो ये हमारी कसौटियां है कि फिर देख लो दीक्षा के कबिल कोई है कि नहीं है, और ऐसी दीक्षा किसी को मत दो। चौथी बात फिर रही, उलझन क्या होती है, उलझन एक होती है कि कहीं तत्व का श्रद्धा का आचार का नया बोल निकल जाए, वह एक बड़ी भारी खराबी हो जाती है। तो आपने कहा बोले श्रद्धा, बोले श्रद्धा कोई ने वो निकाली, मत चरे चो जीने पीने खने, मत पैरे करो गणपति बचाने, जो हृदय बैसे नहीं जो हीरे दे तो ही मत करो खींचा, केवड़िया पर छोड़ दो, केवड़ी आहे अरी हंतारी, एक दिक्कत करने की बार यह होती है कि कहीं कोई नई बात निकल जाती है, बोल श्रद्धा का तत्व का सिद्धांत का आगम का नया बात नया बोल सामने आ गया, उसमें खींचा हो जाती है, ऐसा करना कि नहीं करना, ऐसा पहले होता था अब नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। इन बातों को लेकर स्वामी जी ने कहा कभी खींचातान मत करो, सबके सब केवल ज्ञानी नहीं है, बहुत रहस्य वेद्य नहीं है, नई बात आवे तो बैठो चर्चा करो चिंतन करो विचार करो निर्णय करो, न हो आचार्य की बात मान लो वो भी गला नहीं उतरे तो एकदम तत्पन केवल ही गम्य कर दो, खिंचातान मत करो। आखिर आचार्य की बात को मानना लाजमी जरूरी हो जाएगा, जचे तो ज्ञान से नहीं तो श्रद्धा से। एक इतना बड़ा अच्छा बोल बन गया, इसे किसी प्रकार का कोई जंजल खड़ा नहीं होता है, झमेला नहीं होता है, अब तक भी इन बातों को लेकर जिस किसी ने झमेला किया वो खत्म हो गया, नई बात की है एकदम देना से लगता नहीं एकदम नहीं है, प्रज्ञा जागी हुई थी उनकी इस दृष्टि से, तो ये भी मेला खड़ा नहीं हुआ किसी प्रकार का। अब एक बात फिर बाकी रही, वो क्या है, उत्तरती गण गण तनी, मत करो मत सुनो सेन, संयम पालो संतरो पल पल निर्दय। ऐसी बात भी होती है, कई साधु कई साधियां साग साग का संग में तो है, पर उनकी वृत्ति ऐसी मां भीतर भीतर उतरती बात करते रहते हैं, आलोचना निंदा करते रहते हैं, आप ऐसा कभी मत करो, जिस डाली पर बैठो उस डाली को काटो, जिस घर में रहो उस घर को कमजोर बनाओ, बिल्कुल ठीक नहीं है, उतरती बात कोई न सुनो न करो, बिल्कुल नहीं, क्यों करो उतरती बात, समझ लो जान लो पहचान लो, उतरती बात करने से कोई फायदा नहीं है,
और उत्तर सुने भी नहीं कोई, कोई श्रावक सुने तो उसको नहीं ऐसी बात सुनना नहीं है, कोई श्रावक सुने कि महाराज अमुक महाराज संघ की उत्तर करते हैं उनका फर्ज है वो सीधा गुरु के पास पहुंचे पता नहीं बात महाराज ये बात ऐसी कर रहे हैं ठीक नहीं है, पूरा अधिकार श्रावक का भी ऐसा अधिकार है। तो ये भी एक जल्द बिठा दिया। अंतिम बात क्या रही है, अपछंदा गणशी उठाए एक दो चंद अपनीत साधु तन श्रद्धोमती कोई मत करो परिचय प्रीत, कुछ साधु संघ से अलग हो जाते हैं एक दो तीन चार पांच दस बारह हो सकते हैं कभी कभी, तो आप सोच रहे इतने साधु निकल गए क्या बात है, चिंता मत करो इतने क्या हो गया है, सैकड़ों साधु एक साथ निकल गए, सैकड़ों साधु एक साथ निकल गए निकाल दिए गए गर्गाचा जी के एक साथ जेठ की जड़ का जी रह गई जमाली निकल गया सैकड़ों एक साथ निकल गए, चिंता मत करो संख्या की बात मत करो कितने निकल गए कौन निकल गए, संग संग है चिंता की बात नहीं। इसलिए आपने कहा अपछंदा अमृत स्वच्छंदाचारी संघ से बाहर हो जाए तो श्रावकों का क्या कर्तव्य है कि संघ के बाहर के लोगों को बिल्कुल प्रश्रय मत दो, आश्रय मत दो, प्रश्रय मत दो और उनको बढ़ावा मत दो, ऐसा अगर करके क्या करोगे ऐसा करने से बड़ा नुकसान हो जाएगा। कल ही कुछ भाई आए थे पंजाब के अहमदगढ़ के बैठ गए बोले महाराज बड़ा संवेदन करते हैं, मैंने कहा संवेदन करते हैं लेकिन इसमें कारण बने हो तुम लोग कारण बने हो इसमें, उसमें पंजाब के लोग अगर इस रूप में एक छाती के ठड्डा करके प्रश्न नहीं देते तो उनको सोचने का मौका मिलता, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज आओ पंजाब आपका है इसमें कारण तुम बने हो। बोले मेरे बात तो सही है आपकी, सही बात बिल्कुल सही बात है, तो अब क्या हो, अब तो लाभ निकलेगी हाथ से कुछ होता नहीं होने का नहीं, सचमुच मन में चिंतन संवेदन है तो कहने का इतना ही मतलब है कि साहु साहु का हमारे बड़े संघ के वफादार रहे हैं कभी भी संघ से निकले हुए साधु साधियों को प्रश्न उन्होंने नहीं दिया तो संघ बराबर चल रहा है, और जहां कहीं जो कोई दो चार साल के ऐसे हुए वो ही बिगड़ गए उनको ही बिगाड़ा नुकसान हो गया। इसलिए मैं ये बराबर कहना चाहता हूँ भिखनी स्वामी ने कितना बड़ा काम किया है, ऐसी मर्यादा ही नहीं बनाई है, हमको बहिरात्म होने से बचाया है, बचाव कर दिया, जो साधु साधियाँ इन मर्यादाओं के अंतर्गत चले और बराबर का पालन करें तो बहिरात्मा होने का बहुत कम मौका मिलेगा, अंतरात्मा में रहोगे ये स्थिति हमारी है। इसलिए सब साधु साधियाँ आज्ञा मर्यादा की अखंड आराधना करें।